हम है ना इस आलू की तरह, बिल्कुल इस आलू बिल्कुल फीके मीठे, हर किसी के साथ मिल जाने वाले, हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाने वाले। तो ये कितना बड़ा एक रिलेशन है हमारा और इसका। ये आलू जो है ना वाकई में बहुत अकेला है, पर इसको शानदार बनाते हैं कौन? कुछ मसाले, कुछ एडिशनल सब्जियां, ऐसे ही हमारे को शानदार कौन बनाता है? आप व्यूअर्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे कुछ रिश्तेदार। जिंदगी वाकई में मसालेदार हो गई है। तो सबसे पहले वेलकम करता हूँ आपका। वेलकम दोस्तों, आप सब कैसे हो? और दिमाग में जो बात आई वो कह डाली, दिल पे मत लगाना, आप वाकई में मेरे बहुत दिल के करीब हो। मेरी जिंदगी आप लोगों ने मसालेदार बना दी है। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड में एक छोटी सी वीडियो, मसाला आलू, आलू टुक, जीरा आलू की सब्जी, बहुत कम मसालों के साथ पर बड़ी स्वाद, बड़ी लज्जत वाली, मजा आ जाएगा आपको। तो आइए आप शुरू करते हैं हम आलू, आलू की सब्जी। मैंने है ना सबसे पहले चार तोड़ी हरी मिर्चें, एक के 8 पीस कर लिए हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है जो इसमें स्वाद में रंगत बढ़ाते, इसका दोस्त ही है, सब्जियों का दोस्त है कड़ी पत्ता। एक बार बताऊं आपको, ये जो सब्जी में कड़ी पत्ता है ये अगर आप बारीक काट के डालोगे ना तो लोग साबुत डाल देंगे, तो लोग मोस्टली होता है कि जिनको पसंद नहीं आता वो निकाल के फेंक देते हैं कि यार कड़ी पत्ता आ गया, पर अगर आप बारीक चॉप करके डाल दोगे ना तो एक तो इसके जितने भी एसेंशियल ऑयल्स रिलीज होंगे वो सब इसमें चले जाएंगे और दूसरा ये बाहर निकलने लायक नहीं रहेगा, गल जाएगा, तैयार हो जाएगा खाने योग्य हो जाएगा। तो चलिए, और उसके साथ फिर मैं डालूंगा इसमें से नमक, मिर्च और जीरा, इसके अलावा और कुछ नहीं डालूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा खटाई के लिए थोड़ा सा अमचूर। तो यहाँ वीडियो समाप्त नहीं हुआ, एक अच्छी चीज़ और डालेंगे वो आपको बीच में पता लगेगा। चलिए शुरू करते हैं तेल से, तो गैस जला लेता हूँ पहले। इसमें हम डालेंगे लगभग लगभग 2 से 3 चम्मच तेल। आलू मैंने 4 लिए हैं, लगभग उनका वेट होगा 250 से 300 ग्राम के आसपास। बस तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1 चम्मच लगभग जीरा, और जीरे को भूनना है, जलाना नहीं है, जब तक लाल हो तब तक। अब इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक, मिर्च लगभग लगभग 1 चम्मच जितना, अमचूर, अमचूर चाहे तो थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा ठीक ठाक सा आए, थोड़ा सा पानी का छींटा, केवल पानी का छींटा मारना है, और गैस कर देंगे लो ताकि मसाले गले में अच्छे से कोट करना है। देखिए आलू बॉइल्ड है तो का ये मैशी मशी हो जाएगा अगर मैं इसमें ज्यादा चम्मच लगाऊंगा तो थोड़ा तो पानी डाल के और इसको हम ढक देंगे, इसको हम ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के लिए ढकेंगे ताकि अंदर स्टीम बन जाए और बढ़िया से सब्जी गल जाए,
मसाले पक जाएं एक बार। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कोशिश करते हैं शेफ की तरह लपेटने की। चलो अब इसका पानी जो है ना, जो इसमें स्टीम के रूप में जमा हो गया था, उसको सिम आंच के लिए 2 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। अब ये इसकी स्टीम निकल जाएगी और हम अब जो है इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं। भाई मैं हर बार बोलता हूँ सीक्रेट इंग्रेडिएंट, आप समझ जाते हो। कसूरी मेथी, पंजाबीयत, प्योर पंजाबीयत। बस इसका पानी उड़ जाए। अब आलू की एक स्पेशलिटी है, अगर आप कोई भी सब्जी बनाते हो आलू की, तो अब इस आलू को आप चाहो तो एक बाउल में निकाल के और इस पर दही डाल के थोड़ा काला नमक, मीठी चटनी, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ दाल बनी हुई है, दाल के साथ भी खा सकते हो। घर में परांठे बने हुए हैं, परांठे और दही और ये आलू, जन्नत है जी, जन्नत, हेवन। और रोटी के साथ तो खा ही सकते हैं। एक स्पेशल और चीज़ कर सकते हैं इसके साथ कि आप चाहो तो इसको समोसे की फिलिंग के तौर पे भी ले सकते हो और इसको समोसे की फिलिंग बना के और समोसा फ्राई करके खाओ, तो फिर कहने ही क्या, बरसात के मज़े 4 गुने हो जाने। तो आइए अब इसको सर्व करते हैं और फिर खाने की तैयारी करते हैं। आप इस व्लॉग को देखिए, बताइए कि रिश्तेदारों और परिवारों का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना। हमारी सबकी ज़िंदगी भी वैसी है, लिखना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ। भाई हम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तभी तो हमारी ज़िंदगी लाजवाब होगी, हमारे और दोस्त बढ़ेंगे, और मसाले डलेंगे तो और ज़िंदगी मज़ेदार होती भी जाएगी, है ना। तो लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया है अब तक वो सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड टाइम।